नमस्कार दोस्तों, बी आर एस ओ में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए हैं एक 4 BHK फ्लैट, DDA अप्रूव, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाएगा। इसके अंदर हमारे पास कई सारे फ्लोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। USP ऑफ द फ्लैट इज इट्स अ एल कॉर्नर प्रॉपर्टी, जहाँ पे आपको लिविंग हॉल के अंदर, बेडरूम्स के अंदर मिलेगी नेचुरल सनलाइट, डे लाइट, तो आपको लाइट की कोई टेंशन नहीं रहेगी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको पार्किंग और आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। सोसाइटी के अंदर ही आपको पार्क मिल जाता है और गेटेड कम्युनिटी मिलती है पूरी की पूरी, तो आपको यहाँ पे सेफ्टी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस होगा। चलिए बिना किसी देरी के आपको फ्लैट दिखाना शुरू करते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी बालकनी से सामने आपको इतना खूबसूरत ग्रीन व्यू मिलेगा इस प्रॉपर्टी के अंदर। चलिए आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं। दिस इज़ योर कॉमन एरिया, जहाँ से आप अपने फ्लोर के अंदर आएंगे। ये आपकी लिफ्ट है सेपरेट, और ये स्टेयरकेस लेना चाहें तो ये वाला स्टेयरकेस भी ले सकते हैं। यहाँ से आप आ जाएंगे आपकी प्रॉपर्टी के अंदर। ये एक बड़ा सा मैसिव डोर मिलता है आपको। सबसे पहले आते ही आपको मिलता है ये बड़ा साइज का लिविंग हॉल। इस लिविंग हॉल के अंदर आपको नेचुरल लाइट मिलती है एल कॉर्नर प्रॉपर्टी होने के कारण। यहाँ पे जितना भी आप फ्लोर पे देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल मार्बल, ये सारा मार्बल है, ये टाइल नहीं है। उसके बाद में यहाँ से अगर आप एक बार देखें टर्न करके, तो यहाँ पे आपको ये विंडोज़ मिल जाते हैं, जहाँ से आपको वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिलेगा और ये नेचुरल लाइट के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप बन जाता है। यहाँ पे इस वॉल के ऊपर ब्यूटिफिकेशन के लिए थोड़ा बहुत काम किया गया है। साथ में आपको टीवी पैनल मिल जाता है सामने। लेआउट बहुत अच्छा निकाला गया है इस प्रॉपर्टी का। लेआउट कैसा है, सिंपल है। बेडरूम नंबर 1 विद अटैच वॉशरूम, बेडरूम नंबर 2, 3 और 4, इस तरह से आपको लेआउट मिलता है। सबसे पहले थोड़ा सा आगे जाके मैं एक बार आपको एक ग्लांस में दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी का क्या है सिस्टम। ये 2 bedrooms हैं हमारे, एक कॉमन वॉशरूम है और ये है हमारी किचन। किचन काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकाली गई है यहाँ पे। किचन के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया काम मिलता है, साथ ही साथ इस तरह का पूरा मॉड्यूलर वर्क मिलता है, तो ये वाला जो काम है काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइटिंग और ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हो पाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है ओवरहेड स्टोरेज बहुत सारा। आपको इस किचन के अंदर काफ़ी कुछ लगा लगाया मिलता है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो सारा का सारा काम आपको मिलता है। यहाँ पे हॉप मिल जाएगा आपको लगा हुआ, यहाँ पे आपको चिमनी मिल जाएगी खूबसूरत लगी हुई। इन बिल्डर के काम की एक विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये जब भी अपनी किचन्स के अंदर या फिर ब्यूटिफिकेशन का जो काम करते हैं, यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इनपुट्स देते हैं अपने, क्योंकि इनकी खुद की जो कंपनी है वो इंटीरियर के भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है और इंटीरियर का भी काम करके देती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपको फुली लोडेड किचन मिलती है। फुली लोडेड कैसे, आपको डिशवॉशर मिल गया, आपको ये माइक्रोवेव ओवन मिल गया, उसके बाद हॉब हो गया, चिमनी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लगी लगाई मिलती हैं। उसके बाद ये है हमारा पाउडर रूम। इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, एक नज़र मार लीजिए, छोटा ही होता है वैसे भी पाउडर रूम, उसके अंदर करना ही क्या होता है दोस्तों। उसके बाद ये आते हैं हमारे 2 bedrooms। सबसे पहले चलते हैं हमारे B1 में, बेडरूम नंबर 1 में। यहाँ पे हमारी जो फ्लोरिंग है ये है वुडन फ्लोरिंग, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे आपको मिल जाता है वार्डरोब, सामने की ओर टीवी पैनल, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट मिल जाती है और एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है। ये हमारा वॉशरूम है 8 feet by 5 feet के साइज़ में। यहाँ से आप बाहर आते हैं, यहाँ से चलेंगे हमारे बेडरूम नंबर 2 के अंदर। दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 2, अगेन विद वुडन फ्लोरिंग, सामने की ओर टीवी पैनल, राइट में आपको वार्डरूम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम इज योर 8 feet by 6 feet, 8 by 6 के साइज में आपको ये वाला वॉशरूम मिलता है। और इस वॉल के ऊपर थोड़ा सा पिंक कलर का टच दिया हुआ है, अगर आप अपने बच्चों का रूम बनाना चाहते हैं इसको तो बना सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ से आपको मिलता है पाउडर रूम का एक्सेस और यहाँ से आपको मिलता है आपका बेडरूम। इसके अंदर भी हमें एक अटैच वॉशरूम मिलता है, एक नज़र मार लीजिए। और ये है नेचुरल लाइट के साथ में आपका एक और बेडरूम,
जहाँ पे आपको अगेन फ्लोर के ऊपर पूरा का पूरा मार्बल का काम मिलता है। साथ ही साथ सामने टीवी पैनल लगा हुआ है और बहुत ही बढ़िया साइज़ का वार्डरोब लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से वापस आते हैं और हमारे बेडरूम नंबर 4 में चलते हैं। दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 4। दिस कम्स विद अगेन अ बाथटब, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा बढ़िया। इधर आप देखते हैं तो आपको मिल जाता है काफ़ी बढ़िया टीवी पैनल और वार्डरोब। इसके बाद आते हैं आप अपनी बालकनी में। बालकनी अगेन इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, बड़ी साइज़ की बालकनी है। आप इसके अंदर बैठने का मन बनाते हैं तो बैठ भी सकते हैं। और एक बार ऊपर हल्का सा नज़र लेके जाते हैं तो आपको इतना प्यारा फसाद मिलता है आपकी प्रॉपर्टी का। सो दोस्तों, दिस वॉज द प्रॉपर्टी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इट्स अ 4 BHK प्रॉपर्टी, एल कॉर्नर प्रॉपर्टी, गेटेड लोकेशन पे आपको मिलती है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का कोड मेंशन कर दिया है। आप आइए, इस प्रॉपर्टी को विजिट कीजिए। लिमिटेड यूनिट्स हैं, इसको अपना बना लीजिए, बनाना चाहते हैं तो। और DDA अप्रूव्ड है तो आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन भी मिल जाएगा। वेल नोन बिल्डर द्वारा बनाई गई है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। इवन आफ्टर परचेजिंग दिस प्रॉपर्टी आपको आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि ये बहुत नामी ग्रामी बिल्डर का काम यहाँ पर आपको मिलता है। आशा करते हैं आपको वाली प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। आपके व्यूज़, आपके विचार, आपकी सजेशंस प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए हमको, ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें। इस प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एस के आगे जो नंबर है वो इस प्रॉपर्टी का कोड है। रेंटल की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि अब इस चैनल के ऊपर आपको केवल सेल की वीडियोज़ मिलती हैं। तो आप हमारे BRS रेंटल्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको रेंटल वीडियोज़ अभी भी देखनी है तो। आशा करते हैं आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।